इसके यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार हम बहुत खुशी से मनाते हैं जब घर पे होते हैं, पर 70 से ऊपर हमारी शहीदी हो चुकी है किसानों की। खुशी हम बहुत मनाते हैं, आपको पता लोहड़ी में देश दुनिया जानता है, भंगड़ा डालते हैं, सब कुछ करते हैं, पर नहीं, इस बार हमारे भाई, हमारे अब्बा, हमारे पापा के समान जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनकी शहीदी पे हम लोहड़ी का त्यौहार उनकी याद में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, डेली खाते हैं, पर वो खुशी जब मनाएंगे जब ये तीनों बिल रद्द करा के हम घर पे जाएंगे। वैसे नहीं मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे, क्यों, घर में कोई शांत हो जाए, घर में कोई मर जाए तो अपन खुशी मनाए, अच्छा नहीं लगता। हमारे 70 से ऊपर शहीदियाँ हो चुकी है किसानों की, 70 तो वो हैं जो आप लोगों ने चैनलों ने बताया, सोशल मीडिया ने, गोदी मीडिया तो बता ही नहीं रहा, और उसके बिना ऐसे भी हैं जो जहाँ आंदोलन से घर पे जाते हैं, किसी को बुखार आ जाता है, कोई अटैक आ जाता है, किसी को नमूनिया हो जाता है, जो मीडिया में नहीं आ सके और पता नहीं कितने का है। हाँ, इस साल हाँ मनाएंगे लोहड़ी खूब से मनाएंगे जब हम इन बिलों को रद्द करा के घर पे जाएंगे। ये गोदी मीडिया और ये मीडिया वालों से आपको थोड़ा किस तरह का क्यों रोष मान रहे हैं? हिंदुस्तान का जितना बड़े चैनल हैं, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, जी न्यूज है, जैसे इंडिया न्यूज है, ये मोदी के बगाऊ चैनल हैं। तो सोशल मीडिया जो लोकल मीडिया चलता है, जिसको अपने मोदी मीडिया बोल देता, बड़े बड़े चैनल बोल देते हैं, भी ये सोशल मीडिया क्या है, किसानों की खबर तो ये लगा रहा, गोदी मीडिया किसानों की खबर नहीं देता। गोदी मीडिया मोदी अंबानी के पोते को देखने जाता है, तो गोदी मीडिया अंबानी मोदी के पीछे पीछे घूमता है। 70 के करीब किसान मर चुके हैं तो गोदी मीडिया ने आज तक बताया नहीं है। बकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, मोदी का बिका हुआ मीडिया जो गोदी मीडिया है। आज ब्लड डोनेशन लेकर ऐसा क्यों? सबसे दुख की बात यह है कि आज अगर ये सोशल मीडिया अगर नहीं होता, मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं किसी मीडिया से मेरा कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, सोशल मीडिया अगर ये नहीं होता तो ये आंदोलन को जो जन जन तक ले जाने की बात भी नहीं हो पाती। जो नेशनल मीडिया जिनको हम कहते हैं, एक्चुअल में वो लोगों की आवाज़ नहीं बन रहे हैं, वो अपने निहित स्वार्थ में चल रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया जा सकता है, जिसको मोदी मीडिया का नाम दिया जा सकता है। आप राष्ट्रीय चैनलों को देख रहे हैं ना, आए दिन सरकार की भाषा बोल रहे हैं, और किसानों को किस तरह जो ना पहले खालिस्तानी, किस तरह उनको विदेशी फंडिंग, किस तरह उनको जो ना देशद्रोही ठहराने पर तुले हैं, जबकि हकीकत ये है किसान एक आम आदमी है, आम आदमी का दर्द होता है तो किसान पहले दर्द में है, अपने आंदोलन को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहा है, तो इस सारे में उसकी मांग जायज़ है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा चैनल, इसलिए सोशल मीडिया उसको उठा रहा है, सोशल मीडिया को तवज्जो दी जा रही है।